नमस्कार, जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जैसा आप देख सकते हैं, हम एक दुकान में खड़े हैं जहाँ पे कई सारे ये प्लास्टिक की सामग्री आप देख सकते हैं, जो कि आज से, यानी जी हाँ, आज से ही, कल माफ़ कीजिएगा, 1 जुलाई से जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे सरकार, केंद्र सरकार ने स्ट्रिक्टली बैन करने का आदेश दे दिया है। यानी आपको कहीं भी अब ये प्लास्टिक का सिंगल यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरे देश में ये चीज़ लागू होता है और इससे कहीं ना कहीं दुकानदारों में ऐसी हड़कंप मच गई है कि सारे लोग जितने भी प्लास्टिक वाले सिंगल यूज़ थे उन सबको हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कोई भी अनियमितता आई तो स्ट्रिक्ट दोषियों को सजा मिलेगी और जो दोषियों है कार्रवाई की जाएगी स्ट्रिक्ट। इस बार सरकार जो है वो पूरी तरीके से बहुत गंभीर है। आपको बता दें, पूरे झारखंड में लगभग 8 से 10 हज़ार ऐसे छोटे और बड़े व्यापारी हैं जो डायरेक्ट ऐसे दुकानों को चलाते हैं, और लेकिन इससे बंद होने से उनको बहुत नुकसान का सामना करना सकता है। साथ ही 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कारीगर हैं जो इसको बनाने में अपना सहयोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा ये मार देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये भैया को देख देख के ये छाटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे आप देख सकते हैं इन्होंने बाहर निकाल के रखा है ताकि इन सबको फेंकना है, इन सबको हटाना है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे दुकानदार से। ये सब आपने सब हटाने के लिए रखा हुआ है? सब हटा दिए हमने, जितना भी प्लास्टिक सामान था सब हटा दिए। एक बात बताइए, इससे पहले कितना आपका बिक्री होता था ये सब जब आप रखते थे? अब तो सिर्फ थर्माकोल ही प्लास्टिक पहले बिकता था, अब कागज का मिलेगा, अब कागज का आएगा वो अब बिकेगा। इससे आप लोगों के कितना मार मिलेगा, आपके पेट पे कितना लात लग रहा है, आपके हिसाब से कितना सही है? नहीं, सही है, थर्माकोल ऐसे भी खराब चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कागज का आ चुका है मार्केट में, अब थोड़ा सा कॉस्टली है बस, पैसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जो व्यापारी है छोटे बड़े जो बनाते हैं वो कह रहे हैं हमारे पेट पे लात मारी है सरकार, थोड़ा सा नहीं कागज का आया हुआ है, वैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब व्यापारी अपना, यानी कहने के सरकार के रजिस्ट्रेंट खुश है? हाँ, खुश है। तो ये व्यापारी जो है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो खुश हूँ, क्योंकि प्लास्टिक, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक वाकई में बहुत जहर का काम करता है। इसमें जो केमिकल्स मिलते हैं वो कैंसर का कारण बनता है, और साथ ही आज गाय और जानवर भी प्लास्टिक जो कंज्यूम करती है इस वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इंसान तो थोड़ा ध्यान दे, पर जानवर पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है उनके खाने पर। इस वजह से प्लास्टिक को लेकर बहुत ही गंभीर है इस बार केंद्र सरकार, और ऐसे ही जितने दुकान हैं, जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, धड़ल्ले से हटाए जा रहे हैं इन सभी को। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।